नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट शेयर करूंगा और आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के डिटेल्स और उसके साथ साथ कुछ न्यूज भी आया है जिसके बारे में चर्चा करूंगा। उस न्यूज आपको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि उस न्यूज के माध्यम से आपको पता चलेगा कि कंपनी अभी फिलहाल के लिए कौन सा सिचुएशन में है और किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। तो चलो एक एक करके सारे डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ टेलीग्राम को भी ज्वाइन नहीं किए वो भी कर सकते हैं, नीचे सारे लिंक्स अवेलेबल है। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। तो देखिए बहुत सारे लोग मुझे बहुत बार कमेंट कर चुके हैं कि सर इसका जो मोनोपोली बिजनेस है वो तो खत्म होने वाला है क्योंकि गवर्नमेंट एक नया पॉलिसी जारी किया है जिसका मोनोपोली बिजनेस है वो खत्म होने वाला है। ये बात आपके बात सही है मगर एक बात आप याद रखना कि किसी कंपनी अगर मोनोपोली के ऊपर डिपेंडेंट है तो वो अगर मोनोपोली खत्म हो जाए तो कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा दिक्कत आ सकते हैं। अगर वो कंपनी मोनोपोली के ऊपर टिके हुए नहीं है, वो कंपनी खुद के बिजनेस के स्ट्रेटेजीज के वाइज और बिजनेस अच्छा खासा कर रहा है तो उस कंपनी के ऊपर मोनोपोली क्या कुछ भी खत्म हो जाए तो भी वो कंपनी सस्टेन कर पाएंगे। तो आप कहेंगे सर आप कितना सियोर है इस कंपनी के ऊपर? देखिए सियोर स्टॉक मार्केट के किसी के ऊपर गारंटी 100% सियोरिटी 100% ऐसे कोई बोलते हैं तो आप सोच लेना वो गलत बता रहा है। मैं भी कभी नहीं इस तरीके से बातचीत नहीं करता हूँ क्योंकि मार्केट हमेशा आपको प्रेडिक्शन करके चलना पड़ता है, कल क्या होगा किसी को पता नहीं। आज फिलहाल के लिए सिचुएशन देखा जाए तो कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल्स के बारे में चर्चा करूं तो सेल्स पिछले बार की तुलना से इस बार अच्छा खासा सेल्स कंपनी जनरेट किया, करीबन 95 करोड़ से 109 करोड़ के आसपास। उसी तरीके से एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे और उसके हिसाब से कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी 70 करोड़ से बढ़ के हो चुके 83 करोड़। तो अलग लेवल में यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ हुआ तो ये बात भी सही है, कंपनी का अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ। और उस हिसाब से देखा है तो कंपनी का जो प्रॉफिट होने के बाद जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट के बारे में एक बार चर्चा करो तो रिजर्व के बारे में बात करो तो रिजर्व लगातार यहाँ पे बढ़ते चले गए। तो रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए, कंपनी का रिजर्व इस बार 764 करोड़ के आसपास रिजर्व देखने को मिला। अभी बोरिंग्स के बारे में बात करो तो कंपनी का कर्जा नाक के बराबर है। तो जो कंपनी की इतना शानदार परफॉर्मेंस है ये सारे पॉइंट्स अगर कंपनी के फ्लेवर में है तो आपको एक बात को याद रखना है कि कंपनी आगे चल के एक बड़ा धमाका जरूर आपको दिखा सकते हैं। तो रही बात कंपनीज की जो बाकी डिटेल्स का, बाकी डिटेल्स का मतलब क्या है कंपनी के ऊपर अगर देखेंगे तो CWIP उसमें उतना ज्यादा पैसा कंपनी निवेश नहीं करके रखे और एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर FSDS पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट आपको दिखेगा। मुझे इस कंपनी के ऊपर जो बेस्ट पॉइंट लगा वो है कंपनी का रेशियोज। अगर रेशियोज के बारे में चर्चा करूं देखिए एक टाइम एक दिन लग रहा था डेटोस डे में, अभी डेटोस डे होता क्या है वो सबसे पहले समझना बहुत जरूरी है। डेटोस डे का मतलब होता है कि मान के चलिए कंपनी जो पैसा बिजनेस के ऊपर लगा रहा है, मान के चलिए एक कंपनी है वो पैसा क्या कर रहा है बिजनेस के ऊपर लगा रहा है और प्रोडक्शन करने के बाद वो प्रोडक्ट को किसी न किसी को बेच रहे हैं। तो जिसको प्रोडक्ट बेचा और प्रोडक्शन किया ये जो टाइम पीरियड है और घूम फिर के वो पैसा कितने दिनों में हाथ में आ रहा है ये जो टाइम पीरियड है इस टाइम पीरियड को बोला जाता है डेटोस डे। अभी तो आप देखेंगे तो यहाँ पे डेटोस डे एक दिन के अंदर हुआ करता था, बीच में हो गया था 66 डेज और बीच में और भी हो गया था 75 डेज, अभी कितना है 6 दिन के आसपास। तो कंपनी ये जो लेवल्स को मेंटेन कर रहा है ना ये बहुत स्ट्रॉन्ग मेरे हिसाब से है क्योंकि इस तरीके से सिचुएशन को आपको देखना चाहिए कि हाँ कंपनी सही में कितने दिन से पहले ही कंपनी हाथ में पैसा लेके आ रहा है। तो ये मेरे हिसाब से एक बेस्ट पॉइंट है और बाकी आपके क्या राय है मुझे जरूर कमेंट्स करके बता सकते हैं। और इसके ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट भी आया, आप देखेंगे इंडियन एनर्जी एक्सचेंज आप देख सकते हैं शेयर अप टू 6% और वो भी किसके लिए पावर ऑफ मार्केट अपडेट एनालिटिक्स व्यू ऑन IEX, मतलब IEX के ऊपर एक बातचीत कहा गया था कि कंपनी के ऊपर जो ट्रेंड है वो अपकमिंग ट्रेंड्स फ्यूचर में देखने को मिलेगा क्योंकि जो एस्टीमेट किया गया था उस एस्टीमेट को कंपनी बीट किए, मतलब क्वार्टरली जो रिजल्ट है उस रिजल्ट के एस्टीमेट कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे बीट कर बैठे। तो जिसके चलते कंपनी के ऊपर अच्छा खासा एक फ्यूचरिस्टिक कंपनी जरूर बन सकते हैं, अच्छा खासा आपको रिटर्न देने का कैपेबिलिटी भी रखते हैं। अभी रही बात इस कंपनी के ऊपर चार्ट पैटर्न्स का तो इसके ऊपर मैं चर्चा करूं तो IEX के ऊपर चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो शानदार तरीके से यहाँ पे एक बाइंग ट्रेंड बना था और इस बाइंग ट्रेंड के बाद देखिए कंपनी करेक्शन भी हुआ और 21% के आसपास यहाँ पे टारगेट रेशियो का बाइंग ट्रेंड बना था और नीचे यहाँ पे टच भी किया
और उसके बाद देखिए बहुत दिनों तक एक ही रेंज के ऊपर ट्रेड किया, थोड़ा सा ऊपर जाने का कोशिश किए थे, एक ही रेंज के ऊपर ट्रेड हो रहा है अभी। देखिए फिलहाल के जो सिचुएशन है, मुझे लगता है इजिली वो इस लेवल को अचीव कर सकते हैं, इजिली वो इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, यहाँ पे एंट्री बना है, मतलब इस लेवल में एंट्री बना है, और अगर यहाँ तक टारगेट बने तो एक अच्छा खासा टारगेट बन सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं यही कहूंगा कंपनी के ऊपर कोई प्रेशराइज है, उसके साथ साथ मार्केट के ऊपर भी प्रेशर है, तो थोड़ा सा करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं, उसका नाम है रिलैक्सो। देखिए रिलैक्सो फुटवेयर इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है, करीबन 3 साल से 4 साल तक और भी ज्यादा होंगे कि इस कंपनी नंबर वन पोजिशन में था। तो क्योंकि बाटा नंबर वन में था, उसके बाद रिलैक्सो मार्केट में आए, रिलैक्सो नंबर वन बना। अभी देखो जो फिलहाल की जो सिचुएशन है वो मेट्रो ब्रांड जो नंबर वन पोजीशन में है, क्योंकि उसका मार्केट कैप ज्यादा है, 34,700 करोड़ के आसपास है, और रिलैक्सो का मार्केट कैप 22,600 करोड़ के आसपास है। तो यहाँ पे मैं जरूर कहूंगा कंपनी के ऊपर जो अभी डेप्थ है, उस डेप्थ के हिसाब से बात करें तो कंपनी अच्छा खासा खुद को कंट्रोल में रखते हैं डेप्थ के हिसाब से और बाकी प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से। अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट की इसके बारे में चर्चा करूं, पिछले बार जो सेल्स हुआ था उससे कई गुना ज्यादा सेल्स यहाँ पे इंक्रीज हुआ, उसी हिसाब से कंपनी का एक्सपेंस भी मेंटेन हुआ, और उसी हिसाब से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है 22 करोड़ से बढ़ के हो चुके हैं 44 करोड़ के आसपास। तो कंपनी का अच्छा खासा प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिले, मगर कंपनी एस्टीमेट को बीट नहीं कर पाया। क्वार्टर क्वार्टर में जो एस्टीमेट है उसको बीट नहीं कर पाया, ईयर ऑफ ईयर बेसिस में जो एस्टीमेट है उसको बीट कर पाया है। तो कहने का मतलब है कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी तो जंप हुआ, अभी धीरे धीरे करके कंपनी का ग्रोथ भी होगा, क्योंकि मैनेजमेंट ने एक बात कहा है इस कंपनी का शेयर जो करेक्शन हुआ है, और शेयर मतलब इसका जो वैल्यूएशन अभी तो सॉरी इसका जो मार्केट शेयर कंपनी जो खोए है उसको फिर से वो वापस लेके आएंगे। कंपनी का कहना है कि जिस तरीके से मार्केट के ऊपर सिचुएशन क्रिएट हुआ है उसमें वो दो तरीके से काम करेंगे, एक जो हाई प्रोफाइल कस्टमर है उसके लिए और जो लो प्रोफाइल कस्टमर है उसके लिए। इसका मतलब दोनों कस्टमर को वो एक्वायर करेंगे, दोनों कस्टमर के साथ वो डील करके काम करेंगे। तो कहने का मतलब है इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, तो धीरे धीरे करके कंपनी सारे चीजों को यहाँ पे हैंडल करेंगे। अभी जो फिलहाल के सिचुएशन है, एफएस ने क्या किया, खुद का होल्डिंग जो है वो धीरे धीरे करके बढ़ाते मतलब एक ही रेंज के ऊपर है, उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं हुआ है, छोटा मोटा क्वांटिटी ऐड किया है, और डीएस के पास भी सेम टू सेम होल्डिंग है, और पब्लिक के पास भी सेम टू सेम है, प्रमोटर के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग्स देखने को मिला है। अभी कंपनीज के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट भी देखने को मिला कि इज रिलैक्सो फुटवेयर इज ए रिस्की इन्वेस्टमेंट। देखिए इसके ऊपर एक चर्चा भी हुआ है, डिटेल्स में चर्चा किया गया कि रिलैक्सो एक रिस्की इन्वेस्टमेंट है कि नहीं। इसके ऊपर बहुत सारे अलग अलग राय भी देखने को मिला कि उन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन फंड हाउस भी इसके ऊपर कुछ राय दिया है। तो जो कंक्लूजन यहाँ पे सामने आ रहा है, तो मैं एक बात आपको जरूर कहूंगा कि रिलैक्सो के ऊपर तो डेप जो है वो एकदम ना के बराबर है, इसका जो कर्जा है एकदम ना के बराबर है, और उस हिसाब से देखा है तो कंपनी में जो ग्रोथ है वो अपकमिंग टाइम्स में अच्छा खासा होने का चांसेस रहेंगे, क्योंकि कंपनी का कर्जा कम है, कंपनी की इनकम भी ठीक ठाक हो रहा है, तो टाइम पीरियड के हिसाब से देखा है तो कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस ज्यादा रहेंगे। बाकी आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। लास्ट कुछ फ्यू डेज का जो डेटा है उस हिसाब से बात करूं तो कंटिन्यूअसली एक हाई लेवल का ग्रोथ का यहाँ पे डिलीवरी देखने को मिला है। तो रिलैक्सो चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूं तो एक आप पैटर्न देखेंगे तो कुछ इस तरीके से शोल्डर कम हेड कम शोल्डर पैटर्न क्रिएट हुआ था, और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट होने के लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ। जब ब्रेकआउट होगा तो एक बड़ा सा ट्रेड बन सकते हैं, और सबसे बड़ी बात है जो ट्रेड यहाँ पे बनेगा, जो रेंज यहाँ पे बन रहा है उसी रेंज के हिसाब से यहाँ पे टारगेट भी बनेगा, और टारगेट के हिसाब से बात करें तो करीबन 1178 के आसपास यहाँ पे टारगेट बन सकता है, और वो भी 22% के आसपास। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये जो रेंज का जो टारगेट बनेगा अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो, जब टारगेट बनेगा तो वो टारगेट प्रीवियस एक स्ट्रॉन्गली स्विंग रेजिस्टेंस एंड देखे स्विंग हाई एंड रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन भी है, मतलब यहाँ से ही बिग क्रैश हुआ था तो इस लेवल तक कंपनी जाने के लिए जरूर तैयार रहेंगे। बाकी अभी देखा जाएगा कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस करते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है बजाज फाइनेंस। देखिए बजाज फाइनेंस फाइनेंस इंडस्ट्रीज के एक सबसे बड़ा कंपनी है, और वो भी देखा जाए तो हर कैटेगरीज के ऊपर कंपनी फाइनेंस के ऊपर काम करने के लिए स्टार्ट किया है। और एक चीज में और भी आपको यहाँ पे ऐड करूंगा कि बजाज फाइनेंस जो मैनेजमेंट ने कहा है कि जो ट्रैक्टर का जो बिजनेस है, ट्रैक्टर जितने सारे कंपनीज बिजनेस करते हैं उसके ऊपर भी फाइनेंस के ऊपर काम करेंगे, मतलब उस कंपनी को भी फाइनेंस देंगे। तो अभी महिंद्रा एंड महिंद्रा खुद का तो ट्रैक्टर का बिजनेस भी है,
और उसका फाइनेंस कंपनी भी है, तो वो उससे तो वो मार्केट नहीं कमा पाएंगे। तो मार्केट कहाँ से होंगे, मार्केट बाकी जो ट्रैक्टर्स कंपनी है वहां से मिलेगा। तो बजाज फाइनेंस के ऊपर बहुत सारे लोग मुझे ये भी कमेंट्स किए थे कि जियो फाइनेंस आ चुके हैं तो बजाज फाइनेंस खत्म होने वाला है। ऐसे बिल्कुल नहीं, जियो फाइनेंस कितना भी बड़ा हो, मान लेता हूँ जियो फाइनेंस बहुत बड़ा है, एक रिलायंस कंपनी की एक कंपनी है, तो उसमें उसके सर पे एक बहुत बड़ा कैपिटल का हाथ है, तो कोई बात नहीं। बजाज फाइनेंस भी कोई छोटा मोटा कंपनी है, 4.5 लाख करोड़ के मार्केट कैप लेकर चल रहा है, तो उसका और इसका बिजनेस थिंकिंग कुछ अलग लेवल का है। क्योंकि बजाज फाइनेंस मार्केट लीडर ऐसे नहीं बना कि चलो कंपनी अच्छा खासा काम किया इसे मार्केट बन गया, ऐसे बिल्कुल नहीं। कंपनी के ऊपर क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो पिछले सालों के जो रिजल्ट था इस बार वो किस लेवल तक उन्होंने ग्रोथ किया आप देख सकते हैं, 9970 से 13,000 करोड़ के आसपास। उसके साथ साथ एक्सपेंस को भी मेंटेन किया, उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट वो भी देखिए 2700 करोड़ से 3500 करोड़ तक कंपनी का नेट प्रॉफिट इंक्रीजिंग देखने को मिला। और सबसे बड़ी बात क्या है, 0.44% के आसपास से 0.31% के आसपास यहाँ पे नेट एनपीए को देखने को मिला है। और मुझे यही बात आपको कहना था कि जब आप किसी कंपनी के ऊपर काम करना चाहते हैं तो प्लीज ब्लाइंडली आपको लग रहा है कि हाँ कंपनी फ्यूचर में बहुत धमाका करेगा चलो बाय कर लेता है, ऐसे बिल्कुल नहीं। कंपनी का परफॉर्मेंस को चेक करके ही बाय करना, जहाँ पे आपको भी एक पॉजिटिवली थिंकिंग मिलेगा कि हाँ इस कंपनी अच्छा खासा धमाका परफॉर्मेंस कर सकता है। क्योंकि इस कंपनी के ऊपर एक चीज आपको हमेशा याद रखना है, इस बात को मैं जरूर कहूंगा कि कंपनी का जो इन्वेस्टर है उस इन्वेस्टर के हिसाब से आप देखेंगे तो प्रोमोटर से लेकर FSDS पब्लिक इंस्टीट्यूशन कभी भी आज तक कोई भी स्टेक को नहीं बेचा, उल्टा जितने क्वांटिटी उसको मिले उतना वो ऐड करते चले गए। इसका मतलब इंस्टीट्यूशन चाहते हैं कि इस कंपनी के ऊपर वो कंटिन्यू रहे, तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस तो होना ही चाहिए। बाकी आप समझदार है, समझदारी से जरूर काम लीजिएगा। और एक अपडेट देखने को मिला था, मैं पिछले वीडियो में आपको शेयर किया था कि बजाज फाइनेंस कुछ फंडिंग उठाना चाहते हैं जिसके लिए QIP मार्केट में लॉन्च कर रहा है, जिसके लिए आपको फंड रेज किया जाएगा टोटल 8,800 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव पॉइंट हमेशा मिलता है कि जब मार्केट से फंड रेज किया जाता है तो कुछ ना कुछ बड़ा करने के लिए कंपनी फंड रेज करते हैं, और 8,800 करोड़ का फंड रेज होने वाला है, कोई छोटे मोटे अमाउंट तो नहीं है, तो इस बात को आपको याद रखना है। बाकी इस कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि कंपनी के ऊपर एक शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था, और इस तरीके से कुछ पैटर्न कंप्लीट हुए थे, मगर फाइनली जो ब्रेकआउट हुआ ये जो ब्रेकआउट है ब्रेकआउट के ऊपर कोई भी कंफर्मेशन नहीं मिला। मैं एक बार आपको मार्किंग करके दिखा देता हूँ, थोड़ा सा जूम करके भी आपको दिखा देता हूँ, अभी और भी क्लियर हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ था उस ब्रेकआउट के बाद कोई भी कंफर्मेशन नहीं मिला, अगर कंफर्मेशन मिलता मैं एंट्री लेता और मेरा जो टारगेट होता वो करीबन 10704 के आसपास। यहाँ पे टारगेट इस तरीके से क्यों बना कि क्यों बनेगा, क्योंकि देखिए जो कप का हाइट है जो हेड का हाइट है उसी हेड का मार्किंग कर लेना और उसी रेंज के यहाँ पे टारगेट बन सकता है। तो इस तरीके से पैटर्न्स को आपको फॉलो करना चाहिए, इस तरीके से पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं। अगर कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रांग है और इस तरीके से पैटर्न्स बन रहा है तो सोचिएगा आपका तो दिन बन जाएगा और आपका प्रॉफिट भी अच्छा खासा मिलने का चांसेस रहेगा। ऐसे नहीं कहूंगा कि मैं 100% इस तरीके से पैटर्न में प्रॉफिट बनता है, कुछ कंपनीज में आपको लॉस भी लेना पड़ेगा, मगर अगर आप देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज आपको प्रॉफिट इस तरीके से पैटर्न में पॉजिटिवली देखने को मिलेगा। हाँ एक चीज को ध्यान में रखना होगा, अगर कंपनी का फंडामेंटल फाइनेंशियल ठीक है तब इस तरीके से पैटर्न्स को फॉलो करना, अगर फंडामेंटल फाइनेंशियल ठीक नहीं है फिर भी स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हैं तो आप गलत दिशा में जा सकते हैं। तो लास्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है क्रिसल। तो क्रिसल एक देखा जाए तो एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आया जहां पे कंपनी आपको डिविडेंड देने वाला है। 22 तारीख को कंपनी आपको 1100% के आसपास डिविडेंड देने वाला है, तो इस डिविडेंड पाने के लिए कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद निवेश करिए। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।